आतिशी को दिल्ली की कमान मिल गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी अब दिल्ली की नई सीएम होंगी। आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही कई विवाद भी खड़े हो गए हैं। उनका अफजल कनेक्शन निकाला जा रहा है तो सरनेम पर भी जोरदार सियासत हो रही है। पूछा यह भी जा रहा है कि आतिशी दिल्ली की सीएम होंगी या डमी सीएम, क्या वो जो है भरत की तरह कुर्सी पर खड़ाऊ रख करके सरकार चलाएंगी। आतिशी को नया रोल तो मिला है लेकिन उन्हें कंट्रोल क्या अरविंद केजरीवाल करेंगे, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पार्टी के विधायक दल की बैठक में सहमति बनी और सीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही दिल्ली के अगले सीएम को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। हालांकि विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। सीएम पद के लिए आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सवाल उठा दिया। मालीवाल ने कहा कि दिल्ली की सीएम एक ऐसी महिला बनने जा रही है जिनके माता पिता ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आतिशी के अफजल गुरु कनेक्शन को लेकर हमला बोला। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मार्लेना का फैमिली था। आतिशी के सरनेम के विवाद की भी चर्चा हो रही है। आतिशी का पूरा नाम आतिशी मार्लेना था। कहा जाता है कि मार्क्स और लेनिन के नाम से प्रेरित होकर उनका यह नाम रखा गया था। बीजेपी ने उन पर वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने के आरोप लगाए हैं। अपने नाम के साथ आतिशी मार्लेना लिखा क्योंकि मार्क्स और लेनिन की प्रबल फैन है। वो एक कम्युनिस्ट है जो अर्बन नक्सल को बढ़ावा देते हैं और वही आज मुख्यमंत्री है, इसलिए भगवान दिल्ली का ख्याल रखे, यही प्रार्थना करते हैं। आगे कोई मार्क्स और लेनिन से जुड़ा हुआ नाम भी इनका है तो पूरा नाम से ही पता चलता है ना कैसे विचारों के आतिशी। मैं तो पूरा जानता नहीं हूँ लेकिन जो चल रहा है अभी समाचारों में या मीडिया में या चर्चा में, उसमें पूरा नाम जानना चाहते हैं लोग भी, पूरा नाम भी लो जिससे इनका पूरा व्यक्तित्व समझ में आएगा। इन विवादों के बीच बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि आतिशी डमी सीएम है। आम आदमी पार्टी के नेता भी आतिशी को भरत बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, सिर्फ अगले विधानसभा चुनाव तक कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रख कर आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। आतिशी को दिल्ली की कमान मिल गई है लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि आतिशी अस्थाई सीएम है और भरत की भूमिका निभाने वाली है, यानी सीएम किसी को भी बनाया जाए, आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, एमएनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह आज होना है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये समारोह शुरू होगा। सुबह 10:45 पर सीएम भजनलाल जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे।
सीएम भजनलाल भी समारोह में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 11 बजे से जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो शिरकत करेंगी। सुबह 10:45 का समय बताया जा रहा है जब सीएम भजनलाल जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए। सीएम भजनलाल भी समारोह में शिरकत करेंगे 11 बजे का समय जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं जहां पर MNIT का 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है निमंत्रण भेजा गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर वो इस समारोह में शिरकत करेंगे। 11 बजे समारोह की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 10:45 पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी जहां पर सीएम भजनलाल उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे और सीएम भजनलाल भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन सुप्रीम फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक। बिना अनुमति नहीं हो डिमोलिशन। न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बुलडोजर तो एक ही चर्चा का विषय बना दी है क्या? ये बुलडोजर JCB वहीं चली है जहां अपराधियों ने अनैतिक तरीके से या तो कब्जे किए हैं या कुछ नुकसान किया है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने से नहीं गिरेगा आसमान। बुलडोजर एक्शन के नाम पर घर तोड़ने के कार्य किए जा रहे थे, इस पर रोक लगा करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि ये समस्त कार्रवाई इल्लीगल थी, अवैध थी और कानून के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा की जा रही थी। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगी गाइडलाइन। सत्रह सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट ने कहा कि ये रोक निजी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के लिए लगाई गई है। सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा सकता है। मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में धर्म देकर एक्शन लिए जाने के आरोप गलत है। कमोबेश इसी तरह की बात BJP विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी की। इसी क्रम में देखिए, 528 साल इंतजार ही तो किया राम मंदिर का, न्यायालय का जब उत्तर आया उसी के पश्चात आगे कार्रवाई हुई। यानी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और रही बात बुलडोजर की, बुलडोजर तो एक ही चर्चा का विषय बना दी है क्या? ये बुलडोजर JCB वहीं चली है जहां अपराधियों ने अनैतिक तरीके से या तो कब्जे किए हैं या कुछ नुकसान किया है। केंद्र सरकार और BJP से जुड़े नेता जोर देकर कह रहे हैं कि धर्म देखकर बुलडोजर एक्शन के आरोप गलत हैं और सरकार को लेकर एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो बुलडोजर एक्शन के नाम पर घर तोड़ने के कार्य किए जा रहे थे, इस पर रोक लगा करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि ये समस्त कार्रवाई इल्लीगल थी, अवैध थी और कानून के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा की जा रही थी। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को साबित कर दिया और BJP की बदनीति का, बदले का, धोखे का, पाप का जो BJP का बुलडोजर था उसके पहिए उल्टे कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। ये हिंदुस्तान का संविधान है, न्याय है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब न्याय करता है तो फिर छप्पर फाड़ के देता। आज पूरे हिंदुस्तान को छप्पर फाड़ के दिया सुप्रीम कोर्ट ने। रो रहे थे लोग, बिलख रहे हैं लोग। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी आरोपी के घर पर सिर्फ इस वजह से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता कि वो आरोपी है। अदालत ने कहा कि ये अदालत का काम है ये तय करना कि आरोपी दोषी है या नहीं। देश में कानून का शासन है और किसी व्यक्ति की गलती की सजा उसके परिवार या उसके घर को विध्वंस करके नहीं दी जा सकती।
अदालत ने आगे कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई की अनुमति दी जाती है तो ये कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले से देश भर में ऐसे लोगों को राहत मिली है जिन पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।